ऑल राइट ये पहला क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है शोन इन द फिगर व्हेन अ स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट ओ ऑफ रेडियस वन इज कट आउट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट सी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग शेडेड पार्ट ऑफ द स्फीयर इज एट जी दैट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द कैविटी आर कैन बी डिटरमाइंड बाई द इक्वेशन. देखो जब भी ऐसा होल वाले क्वेश्चंस आते हैं, यही मैं पिछले क्लास में भी बताने की कोशिश कर रहा था, कभी भी ऐसे होल वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये होल वाले क्वेश्चंस आपको सेंटर ऑफ मास में आएंगे. आपको ये होल वाले क्वेश्चंस फिर ग्रेविटेशन में आएंगे, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे, ठीक है. जैसे कि जेई में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक स्फीयर है उसके ऑफ रेडियस आर मानो और उसमें एक अंदर एक कैविटी क्रिएट कर दी है, तो ये कैविटी की रेडियस आर है और इस स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी रो है और आपको बताना था ये कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कैसा है. तो ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस का एक सिंपल ट्रिक है वो आप समझ लो. यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आप नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे. जब भी होल वाला क्वेश्चन आता है कौन सा कॉन्सेप्ट, नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे. आप कहोगे सिंपल टर्म्स में, मानो कि एक ये प्लेन लामिना है, लामिना मतलब समझते हो प्लेनार फिगर है, क्या है ये स्क्वायर है, ठीक है. आप एक पेपर को काट के स्क्वायर लगा दिया, तो मानो इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, इसकी मास एम है और इसका एरिया ए है, तो मास पर यूनिट एरिया इसका कितना हो जाएगा, एम बाई ए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस प्लेनार में से सिंपल चीज चीज समझो, इस प्लेनार में से मानो मैंने एक और एक स्क्वायर काट दिया जिसका एरिया ए है, तो ऑफ कोर्स अगर ये मैं होल वाला पार्ट बाहर लेकर आऊं, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस ये होल वाला पार्ट जिसका एरिया ए होगा, ठीक है. ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, अगर मैं ये वन और ये टू को ऐड करूं तो मुझे ये कंप्लीट स्क्वायर मिल जाएगा, है या नहीं है, ठीक है. यस तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट आई एम मैनिपुलेटिंग दिस फिगर वाइज. एंड याद रखो कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन ये हमेशा ट्रू होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगर मैं मेरे को रिजल्टेंट वन चाहिए, मेरे को अगर रिजल्टेंट वन चाहिए, तो देखो ये मेरा वन है, तो जस्ट मैथमेटिकली मैनिपुलेशन कंप्लीट एरिया माइनस ये वाला, क्लियर है ये बात. तो मैं थ्री में से अब टू को माइनस कर रहा हूँ, पहले केस में क्या करा था, वन और टू को ऐड करा था तो मेरे को थ्री मिल गया था, ठीक है. सेकेंड उसी से ही मैं मैथमेटिकली, दिस इंप्लाइज मैंने मैथमेटिकली ये मैनिपुलेट करके कह दिया कि वन अगर मेरे को चाहिए तो थ्री में से अगर मैं टू को माइनस करूंगा तो मुझे वन मिल जाएगा. ऑफ कोर्स अगर मैं एक कंप्लीट प्लेनार लामिना में से स्क्वायर में से छोटा वाला स्क्वायर को अगर होल को रिमूव कर रहा हूं तो मतलब मेरे को वहां पे होल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है. सिंपल चीज है. तो सिमिलरली सिमिलरली अब इस केस में ये कह रहा है कि आपके पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और आपने इस स्फीयर में से एक वन सेंट वन रेडियस वन दिया हुआ, यूनिट नहीं दिया हुआ है, रेडियस वन का आपने इसमें से हटाया, ये एंड इसका सेंटर इज सी, इसका टोटल का अब ग्रेविटी आ रहा है जी पे, इसका
इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको जी पे आ रहा है एंड द अदर सेंटर ऑफ द कैविटी इज एट स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट ओ एंड यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज सेंटर्ड एट सी. ओके सो दिस इज सेंटर्ड एट ओ. तो इसको मैं कैन आई से दैट आई कैन ऑब्टेन सच अ फिगर व्हेन आई टेक अ कंप्लीट स्फीयर जिसका सेंटर सी पे है और उसमें से मैंने एक स्फीयर कंप्लीट स्फीयर अगेन जिसका सेंटर अब कहां पे होगा ओ पे होगा. दिस इज एट ओ. अगर इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया तब मुझे जाके मेरा ओरिजिनल फिगर मिल जाएगा ये कहते हो. तो ये वाला जो पार्ट है ये माइनस करना इज नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट. अब इसमें जब ऑफ कोर्स मास का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है तो इसीलिए ये एक सिंपल वर्चुअल आइडिया है. इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं. तो देखो क्या हो रहा है. अगर ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे तो अगर यहाँ पे भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दिस मास कैन बी सेड कि अगर इसका दिस यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 3 पाई r³ अगर करूँ तो मेरे को इस स्फीयर का टोटल मास मिल जाएगा. सिमिलरली अगर मैं इस सेकेंड केस में 4 बाई 3 पाई 1 का क्यूब को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को ये दूसरे स्फीयर का मास मिल जाएगा. एंड आइडिया नेगेटिव मास से ये मतलब होता है कि ये जो मास आ रहा है मेरा इसको मैं बस नेगेटिव लूंगा. ठीक है. तो अगर मेरा ये लेफ्ट ओवर जो मामला मिल रहा है मेरे को गिवन फिगर है तो इसका जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू. ठीक है. कोई दिक्कत इसमें? नो सर. क्या रहा है इसका मास? विल बी इक्वल टू रो 4 बाई 3 पाई r³ -1. ओके. नाउ अगर आप एक एक्सिस सिस्टम ऐसा डिजाइन कर लेते हो ये आपका एक्सिस प्रेफरेंस है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो और क्या क्या दिया हुआ है आर डिस्टेंस पे है वन डिस्टेंस पे है आपने यहीं पे अगर हम लोग डिजाइन करें ये सेंटर पे है ये ओके. तो कैन आई से इस फिगर पे तो पहला वाला पॉइंट मेरा दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर एंड दिस डिस्टेंस इज वन और हम कैसे रिलेट करेंगे मेरा ओ का पॉइंट क्या हो जाएगा इन दिस आर माइनस ओके ओके ओके. तो कैन आई से दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो वन है ना. कोई दिक्कत इतने में? नो सर. दिस डिस्टेंस कुड बी This distance could be said as r minus 1. तो मेरा पहला पॉइंट हो जाएगा x equals to r minus 1. What is this? This is the center of कोई दूसरा कलर ले लेते हैं. This r minus 1 is the distance of or coordinates of
जो कैविटी है ना, क्या बिकॉज स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट ओ लिखा हुआ है, सो कैविटी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जो स्फीयर है कंप्लीट स्फीयर, उसका कहां पे हो जाएगा, सी पे है तो जीरो, क्योंकि सी ओरिजिन पे है, सिंस ओरिजिन इज एट सी, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे एक बार देख लेते हैं वापस बता के आपको, तो बिकॉज बिकॉज सी इज एट ओरिजिन, बिकॉज दिस सी इज एट ओरिजिन, तो अगर सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करने जाए एक्स सी ओ एम लिखते हैं, दैट विल बी मास ऑफ द कंप्लीट स्फीयर, दिस वन विच इज रो इन टू 4/3 πr³, और इसका कोऑर्डिनेट इज जीरो, प्लस मास ऑफ द दिस कैविटी जितना आप निकाल रहे हो, तो -4/3 π × 1³ मल्टीप्लाइड बाई इसका एक्स कोऑर्डिनेट विच इज r + 1 r - 1 सॉरी, एंड डिवाइडेड बाई इसका कंप्लीट मास विच इज ये जो है 2 × 4/3 r³ - 1। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे लाई कर रहा है ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एट जी, जी एंड जी हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के अकॉर्डिंगली इतने डिस्टेंस पे है, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस गोइंग टू बी, अगेन उस डायग्राम से देख सकते हैं, कैन आई से दैट इट इज वन माइनस ऑफ आर माइनस वन, तो 2 - r हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? ये इतना लेंथ इज वन, यहां से यहां तक का, एंड यहां से यहां तक का इज r माइनस वन, तो जी सी वुड बी 1 - r - 1, सो दैट विल गिव मी 2 - r, और बेटर क्योंकि ये नेगेटिव साइड में होगा ओरिजिन के, तो ये -r - 2 हो जाएगा, तो आपको दिस विल बी -(2 - r) व्हिच इज, सही लिख देते हैं, ओके, तो दिस गोज टू जीरो, एंड ये जब डिवाइड करेंगे तो ये सारा वैल्यू कैंसल हो जाएगा, एंड आर माइनस वन डिवाइडेड बाई r³ - 1 विल बी इक्वल टू r - 2, सो इसका क्या है, r - 1 कैन बी रिटन एज r - 1 r² - r + 1 2 r/2, सो r - 2 r² - r + 1 इज इक्वल्स टू 1, है क्या ऐसा रिलेशन, चेक करते हैं, r - 2 r² तो 2 - r आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, -r - 2 तो मैंने ले लिया, कोऑर्डिनेट तो सही लिया हुआ, ओके ओके ओके, यहाँ पे ये माइनस भी तो है, तो यहाँ पे ये माइनस भी आएगा ना, तो ऑफ कोर्स ये 2 - r है, क्लियर है, कोई दिक्कत?
सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस था, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। यस सर। There are two liquids of density rho 1 and rho 2. Rho 2 is equal to 2 rho 1 are filled up behind a square wall of side 10 meter as shown in the figure. Each liquid has a height of 5 meter. So, the ratio of the forces due to these liquids exerted on upper part of element to that of lower part of energy. ओके, इंटीग्रेट करना होगा। पहला एलिमेंट मानो यहाँ पे, पहला एलिमेंट ऊपर वाले लिक्विड पे है, इतने डिस्टेंस का ऊपर से मैं h हाइट पे dh एलिमेंट ले रहा हूँ वाटर का, तो यहाँ पे मेरे को ऑफ कोर्स p नॉट, अगर ओपन प्रेशर है तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रेशर एट डिजायर्ड प्रेशर है अभी उस पॉइंट पे एलिमेंटल, वो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। रो क्या है, रो वन है, ऊपर वाला वन है ना, रो जी एच हो जाएगा। और फोर्स कितना लग रहा होगा, टाइम्स ऑफ ए, और एरिया क्या है मेरा, विल बी, अगर मानो इसका यहाँ पे कुछ ऐसा जा रहा है चाहे जितना भी लेंथ हो, तो ये एल मान लेते हैं उसका लेंथ, और मल्टीप्लाइड बाय डी एच इज द एरिया। पी नॉट तो चलो यार, पी नॉट को हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि पी नॉट विल कॉम्प्लिकेट द इक्वेशन, वो ऐसे भी कॉन्स्टेंट ही है, dp तो ले लिएगा, तो this will be equal to 21 ch। okay, sorry, now this could be written as rho 1 g l h d h। so आपको net force calculate करने के लिए इसको integrate करना होगा, f net will be equal to integral of df will be integral of rho 1 g l l dh। इसको आप कहां से कहां तक ले जाओगे, 0 to 5 तक ले जाओ, तो आपको ये मिल जाएगा rho 1 g l 5 square by 2। फिर आप क्या करो, फिर आप अपना एलिमेंट आप यहां पे लो, फिर आप अपना एलिमेंट यहाँ पे लो, तो मानो कि ये ऊपर से h डिस्टेंस पे है, फिर dh एलिमेंट है, तो इन दी सेकंड केस जो है f dp है वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा ऊपर का लिक्विड 5 हाइट तक तो है ही, तो उसका तो कांस्टेंट प्रेशर लगेगा ही, प्लस 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 रो टू जी एच 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 विल बी कितने हाइट पे है, ये एच माइनस 5, ठीक है इतने ही हाइट होगा ना, मैं ये वाला हाइट लूंगा विच इज एच माइनस 5, ठीक है। इसका डी एफ वुड बी रो 1 जी 5 2 जी एच माइनस 5 दिस मल्टीप्लाइड एल डी एच एंड एफ नेट वुड बी इसका इंटीग्रल डी एफ, ठीक है, तो अलग अलग लिमिट्स लगेंगे, ठीक है।
अलग अलग लिमिट्स लगेंगे दोनों चीजों में, क्योंकि लिक्विड का लेंथ भी अलग है। 5 DH पहला वाला लिक्विड, DH कहाँ से कहाँ तक, 5 to 10 तक जाएगा, फिर रो टू तो ये भी दिया हुआ है ना, डायरेक्टली लिख सकते हैं फिर तो, रो टू इज 2 रो 1 लिख ही देते हैं डायरेक्टली, दिस 2 रो 1 जी एल, और एच डी एच ये वाला लिमिट जाएगा एच एच डी एच, एच को हम लोग 5 to 10 ले जाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग 10 minus, यार इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं, DH, so this will give me rho 1 g l, सब बाहर निकालो और ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, 10 माइनस 5 ओके, प्लस 2 रो 1 जी एल बाहर, एच स्क्वायर बाय 2, 10 स्क्वायर, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, माइनस माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी है, ये हो जाएगा, तो दिस इज एफ नेट 1 है, एफ नेट 2, कुणाल माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, ओके, तो एफ नेट आपको रेशियो निकालना है MN और ON के बीच में, F1 MN पे है, F1 और F2 ON पे है, यही है ना, ON और MN, हाँ, तो ये 5 square by 2 है और नीचे वाला 5 square plus 2 into 10 square minus 5 square by 2 माइनस 5 स्क्वायर, तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा 25/2 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 100 माइनस 25, तो ये 75 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो और फिर यहाँ पे 25/50 कर लो, तो क्या जाएगा 25/2 50, तो क्या हो रहा है 1/4 आ रहा है, रेशियो है क्या, आंसर है ना 1/4, यही आंसर है क्या, ठीक है हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत कहीं पे, यस सर, यार इतना सॉल्व मैं नहीं कर रहा, इतना सॉल्व नहीं कर रहा मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन से, पता नहीं क्यों मैं करने लगा, मैं अब सिंपल बताते जाऊंगा आप कर लेना, बहुत सॉल्व कर लिया मैंने, ओके हाँ सर ठीक है, क्या ये इन एन एक्सपेरिमेंट मेजर टू द स्पीड ऑफ साउंड बाय ए रेजोनेटिंग एयर कॉलम ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी, क्या दिया हुआ है 500 Hz दिया हुआ है, length of the air column is varied by changing energy, ठीक है, 2 successive resonance energy, तो अच्छा ठीक है, ठीक है भाई,
ट्रू बताना, ट्रू ठीक है। रेजोनेटिंग एयर कॉलम है, ट्यूरिंग फोर के साथ किया जा रहा है तो ये क्लोज्ड है, एक साइड ओपन रहेगा एक साइड क्लोज रहेगा। तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऐसे बनेगी, और फिर नेक्स्ट लेवल फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन ऐसे बनेगी, सेकंड कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो हर जगह पर यहाँ पे कितना हो रहा है, जो लेंथ है यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू लामडा बाई फोर, यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू लामडा बाई टू प्लस लामडा बाई फोर, मतलब 3 लामडा बाई 4। इसमें एल सर। इज इक्वल्स टू लामडा प्लस लामडा बाई फोर, मतलब 5 लामडा बाई 4। तो सिमिलरली जनरलाइज कर सकते हैं ओपन पाइप के केस में, इट इज व्हाट, लामडा बाई फोर 2n प्लस 1, एंड n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n 2n-1 कर देते हैं, माइनस वन कर दें तो ये 1, 2, 3 पे चला जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, L1 दो कंसेक्यूटिव, दो सक्सेसिव दिया हुआ है, वेरी गुड, दो सक्सेसिव दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे दो सक्सेसिव दिया हुआ है, तो ये दो सक्सेसिव है, मतलब दो सक्सेसिव के बीच में डेल्टा एल कितना आ जाता है, एक, अगर आप इन दोनों को माइनस करके देख लो ना कितना आ रहा है, 2 लामडा बाई 4, मतलब दो सक्सेसिव के बीच में लामडा बाई टू आता है, ठीक है। एंड यस सर। एंड आपको ये भी पता है एफ इज इक्वल्स टू वी बाई लामडा, ठीक है, तो यस वी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल, आपको फ्रीक्वेंसी पता है दी हुई है, आपको डेल्टा एल पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लोगे आपको वी पता चल जाएगा, पहला वाला हो गया। फिर आप एंड करेक्शन बेसिकली इसलिए होता है ना क्योंकि यहाँ पे एज इफेक्ट्स आ जाती हैं, तो कितना आता है, 0.0.3 डी, डी क्या है, यहाँ पे डी इज द डायमीटर, शायद से डायमीटर ऑफ द पाइप, और ये कब होता है, अच्छा दोनों साइड हो जाएगा तो 0.6 डी, ये कब होता है, ये होता है क्लोज्ड पाइप के केस में, और ये होता है ओपन पाइप के केस में, दोनों साइड पे 0.3 डी प्लस 0.3 डी, 0.6 डी। तो आपको अब अगर L1 और L2 पता है, सो दिस इज द एक्चुअल लेंथ प्लस 0.3 डी प्लस 0.0.3 डी, एंड L तो आप निकाल सकते हो, L बिकॉज F इज इक्वल्स टू V बाई लामडा, L इज इक्वल्स टू, अच्छा, ओके, तो आपको V पता है, ओके, तो V, अच्छा ठीक है, तो आपको अगर V पता है, अगर आपको V पता चल गया पहले वाले ये ऑप्शन से, तो आप वो उस वी की वैल्यू को एफ के साथ डिवाइड करोगे, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स है जो 500 हर्ट्स दिया हुआ है, ठीक है, और जो आपने वी की वैल्यू पहले वाले यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो वी की वैल्यू आई है, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको वेवलेंथ पता चल जाएगा, क्या वेवलेंथ है, ठीक है। और फिर वेवलेंथ को जब आप फोर से डिवाइड करोगे, फिर
थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर फाइव बाई फोर से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको ये एल वन होगा, ये एल टू होगा, ये एल थ्री होना चाहिए, ठीक है? मतलब बेसिकली फंडामेंटल फिर ओवरटोन्स की तरह देखोगे. नेक्स्ट जब आप ये वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वाले वैल्यूज कौन से, मतलब ये फंडामेंटल वाले दिए हुए हैं या फिर ओवरटोन्स वाले दिए हुए हैं, ठीक है? और जैसे जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एल की वैल्यू निकाल लोगे. कोई दिक्कत इतना समझने में? करके बताऊं या फिर बता दो, करके बताना है तो. नहीं सर, हो जाएगा. तो जब आपको एल की वैल्यूज पता चल गई और उसको आप ओरिजिनल वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, एल की वैल्यूज आपको बस इस जो जो आपको पहले ऑप्शन से वेलोसिटी मिला है और जो आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हो वहां से आप लैम्डा निकालोगे और फिर लैम्डा को डिवाइड करके देख लो कि जो इन वैल्यूज के साथ लैम्डा को डिवाइड करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो लेंथ की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में L1 और L2 वो कौन से, वो फंडामेंटल वाले हैं या फिर ओवरटोन्स हैं. तो जो जैसे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना कि किसके क्लोज है, लैम्डा बाय 4 के क्लोज है या फिर 3 लैम्डा बाय 4 के क्लोज है या फिर 5 लैम्डा बाय 4 के क्लोज है. तो जो जिसके भी क्लोज है तो उसके बेसिस पे आपको दीज वैल्यूज विल गिव यू दी वैल्यू ऑफ एल यहाँ पे. और फिर आप जब वो एल की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर गिवन लेंथ की वैल्यू से माइनस करोगे तब आपको एज इफेक्ट्स की वैल्यू मिल जाएगी. और आप नोटिस करोगे दोनों में एज इफेक्ट्स की वैल्यू बराबर ही आएगी. फिर क्या क्वेश्चन कहता है, वेवलेंथ. ओके, तो तीसरा वाला भी तो सॉल्व हो गया, पहले वाला मतलब अभी जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली वेवलेंथ आपको मिल जाएगा. अगर आपको वेलोसिटी पहले ऑप्शन से पता है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आपको वेवलेंथ पता चल जाएगा. फिर आपको ये बताया ना रेजोनेंस एट 50 पॉइंट, हाँ, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल हार्मोनिक है या नहीं है. जब आप लैम्डा बाई अगर जो वेवलेंथ आपने यहाँ पे निकाला हुआ है उसको 4 से डिवाइड करो तो आपको ये वैल्यू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये वाला ट्रू है, अगर 66.4 ट्रू है तो आपको इसको 4 से डिवाइड करने पे, 66.4 को 4 से डिवाइड करने पे आपको 50.7 तो नहीं मिल रहा, तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन गलत हो गया था. क्वेश्चन में आंसर भी दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन का ठीक है. ये तीनों कनेक्टेड है क्या, किनके क्वेश्चन से, जिनके भी क्वेश्चन, ये तीनों कनेक्टेड आई थिंक. ठीक है सर, नहीं आया लगता है. कनेक्टेड है, बिलीव मी कनेक्टेड है. तो ये कहा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है, देख ये रेडियस आर है, ये लीनियर डेंसिटी म्यू है, इसको रोटेट किया जा रहा है, तो क्या बता, टेंशन, क्या दिक्कत है, ठीक है देखते हैं. ये सेगमेंट ले लो यहाँ पे एलिमेंटल, और फिर इस सेगमेंट को जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो ये एट अ डिस्टेंस आर है, इसका थीटा मान लो, तो इधर पे टेंशन लग रहा होगा टेंजेंशियली, इधर पे टेंशन लग रहा होगा टेंजेंशियली, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा होगा, इसका मिड पॉइंट से डिवाइड करो तो ये डी थीटा बाई 2 है. सिमिलरली ये एंगल डी थीटा बाई 2 होगा, ये एंगल डी थीटा बाई 2 होगा. कोई दिक्कत इतना समझने में? और इसके जो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल वाले, ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड जो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये दोनों एड अप करके रिंग के इतने पार्ट को, रिंग के इतने पार्ट को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि अगर इस रिंग का मास dm हुआ m, और अगर इसकी ओमेगा दिया हुआ है ना तो m ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, r मेरा कैपिटल है. सो टू डी साइन डी थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू डी एम
आर ओमेगा स्क्वायर, आई कैन से बिकॉज साइन, बिकॉज डी थीटा इज स्मॉल, सो साइन डी थीटा बाई टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा बाई टू. डी थीटा बाई टू इक्वल टू डीएम क्या है भाई, मल्टीप्लाइड बाई कितना एरिया है उसका, आर डी थीटा के साथ लेंथ इतना है और आर बाकी सब कैंसिल करो. नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव सेट इन द स्ट्रिंग विद रेस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग. हाँ ये देख लो एक ट्रिक है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विद रेस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग पूछा जाता है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एट द सेंटर ऑफ द रिंग कहा भी जाता है. तो डिफरेंस क्या है कि अगर एक वेव रिंग है तो इस पे अगर ऐसा एक वेव सेट हुआ है, ट्रांसवर्स वेव सेट हुआ है, तो इस ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी हो जाती है टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ. टेंशन अभी हमने डिवाइड डिराइव किया, इट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, यूज करिए ये ना, म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू, तो व्हिच इज आर ओमेगा. सो वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा इज द वेलोसिटी ऑफ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग ओनली, क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में ट्रेवल कर रहा है. अब विथ रेस्पेक्ट टू अगर ऑब्जर्वर एट दी सेंटर देखा जाए, अगर सेंटर पे ऑब्जर्वर है कोई भी पॉइंट पे, वो क्या करेगा किसी भी पॉइंट पे, वो सेंटर पे कोई भी पॉइंट, यहाँ का पार्टिकल कहीं का भी पार्टिकल, उसको टेंजेंशियली वी वेलोसिटी के साथ जाता हुआ दिखेगा. फर्स्ट थिंग कहीं का भी पॉइंट ले लो उसको टेंजेंशियली जाता हुआ दिखेगा, एंड टेंजेंशियली क्योंकि ये एंगुलर मोशन है तो ओमेगा आर है हर जगह पर. तो विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर हर एक पार्टिकल के पास ऑन द रिंग, कोई भी एलिमेंटल मास उठा लो ऑन द रिंग, उसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी एंड उसके पास वेव की ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है, सो दोनों को ऐड करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ द वेव विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट द सेंटर वुड बी 2r ओमेगा. दोनों ऐड अप हो गया, कोई वैल्यू नहीं देगा. ठीक है, इसका आंसर ये है. A fine rubber band which in its unstretched condition forms a circle of radius r dropped on a soap film formed over a wire frame with the film inside the band is broken, it stretches into the circle of radius nr, the band is cut, used as single strand to suspend, mass m equilibrium elongation is equals to unstretched length. String hai, m hai. अगर इसमें एक्सटेंशन x है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k मान ले, एलोंगेशन x है, तो इक्विलिब्रियम एलोंगेशन इज इक्वल्स टू द अनस्ट्रेच्ड लेंथ, दिस इज इक्वल्स टू m अनस्ट्रेच्ड लेंथ. अनस्ट्रेच्ड लेंथ कितना है इसका, 2 पाई r होगा, क्योंकि क्योंकि वो जब सर्कल पे करा गया तो उसका रेडियस r था and x is equals to l because diya hua hai ki equilibrium mein uska elongation is equals to unstressed length, so k turns out to be mg by 2 pi r. now jab ye film mein isko dala gaya to ye kya, ye expand kar gaya, ye expand kar gaya. पहले इसका रेडियस आर था और बाद में जाके इसका रेडियस एन आर हो गया कह रहे हैं, और ये क्या है, ये सुप फिल्म है, सुप फिल्म है. तो
क्यों हो रहा है ऐसा? हो इसलिए रहा है कि जब अंदर बर्स्ट कर जाएगा, अंदर का फिल्म वैनिश कर जाएगा यहाँ पे, तो बाहर वाला फिल्म उसको नेट आउटवर्ड प्रेशर लगा, नेट आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा, टेंशन की वजह से पुलिंग फोर्स आएगा। सो फिल्म जो टेंशन फोर्स लगा रहा होगा उसके सर्कमफेरेंस पे, उसके पेरीमीटर पे, उस रबर बैंड के पेरीमीटर पे अलोंग द लेंथ टेंशन लगा रहा होगा, वो पुल करेगा बाहर की तरफ, तो इसीलिए रेडियस जो है वो आर से एन आर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। तो जब ये आर से एन आर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है तो मतलब इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? 2 पाई आर से लेके 2 पाई एन आर तक चेंज हो रहा है। तो इसमें टोटल एक्सटेंशन कितने का आ गया? 2 पाई आर n-1 का एक्सटेंशन आ गया। तो इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा रीस्टोरिंग का? विल बी के टाइम्स डेल्टा एक्स, विच विल बी के टाइम्स 2 पाई आर n-1। के क्या है? के ये है, तो आपको नेट मिल जाएगा n-1। एंड दिस नेट वो किससे बैलेंस करवा रहा है? जब वो एन आर की रेडियस पे आ जाएगा वो उसको सरफेस टेंशन के साथ बैलेंस करवाएगा। सरफेस टेंशन आपको पता है निकालना है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो एम जी एन माइनस वन लेंथ कितना है? 2 पाई एन आर। तो ये आंसर है। दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं सर। कह रहा थिन यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल शेल, थिन यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल शेल क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। इट इज फ्लोटिंग वर्टिकली इन वाटर विद हाफ सबमर्स्ड। ठीक है भाई, हाफ सबमर्स्ड। एंड रो सी इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द शेल विद, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द शेल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट द शेल इज कंपैरिजन। ओके ओके ओके। सो इन दिस केस अगर इस सिस्टम, इस बॉडी को, शेल को और उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको एक सिस्टम माने, तो इस पे, इस सिस्टम पे फोर्स एक लगेगा मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ शेल जी, और इस पे ऊपर के डायरेक्शन पे एक बायंट फोर्स लगेगा जो कि दिस डेंसिटी ऑफ वाटर पे ही है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड जो भी वॉल्यूम है शेल का उसका आधा गया हुआ है, तो बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक, एम डब्ल्यू क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर। रो डब्ल्यू मानो कि एक्स टाइम्स ऑफ इसका टोटल वॉल्यूम, एक्स इज द फ्रैक्शन, एक्स टाइम्स ऑफ इसका टोटल वॉल्यूम इमर्ज्ड है। ये जो वॉल्यूम है, इतना पार्ट का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है एक्स टाइम्स ऑफ वी, और वी क्या है? वी इसका टोटल वॉल्यूम है। सो This turns out to be density of shell multiplied by इसका पूरा volume. So this is g. तो अगर आप इन दोनों को equate करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? ठीक है, बी जी जी कैंसल, आपको क्या मटीरियल विथ रेस्पेक्ट टू वॉटर है ना, तो 1/2 एक्स प्लस रूसी आ गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है, इट विल बी मोर देन फिल्ड इफ रूसी इज लेस देन 0.5। तो एक्स के बारे में कमेंट करना है, 1/2 माइनस रूसी, इफ रूसी इज लेस देन 0.5, इफ रूसी इज लेस देन 0.5, अरे एक्स मोर देन हाफ थोड़ी ना हो सकता है। जब रोसी 0.5 से कम होगा तो ये टोटल वैल्यू, तो चाहे जितना भी कम हो ये टोटल वैल्यू तो 0.5 से कम ही है ना,
तो एक्स कभी हाफ से ज्यादा नहीं हो सकता, तो पहला वाला गलत है। मोर देन हाफ फिल्ड इफ रोसी इज मोर देन वन, रोसी अगर मोर देन वन हो गया तो ये टोटल वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी गलत है। हाफ फिल्ड इफ रोसी इज मोर देन 0.5, हाफ फिल्ड इफ रोसी इज रोसी अगर मोर देन 0.5 है तब भी ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी गलत है। लेस देन हाफ फिल्ड इफ रूसी इज लेस देन 0.5, रूसी अगर लेस देन 0.5, हाँ ये सही है, अगर रूसी लेस देन 0.5 है तो ये टोटल वैल्यू वुड बी, मान लो 0.5, रूसी की वैल्यू 0.2 है, तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3, तो ऑफ कोर्स एक्स इज लेस देन हाफ, तो ये वाला आंसर सही है। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे। ये ओल्ड जेई क्वेश्चन, अरे ये तो ठीक है, क्या दिक्कत है? इनिशियल केस मानो, ये फाइनल केस यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इनिशियल क्या हो रहा है, ये वो क्या दिया हुआ, प्लेट दिया हुआ है मानो, ये दिस इज प्लेट। अब यहाँ पे पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी यू है इस डायरेक्शन पे, और इस साइड भी एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है यू इस डायरेक्शन पे, इस प्लेट की वेलोसिटी है राइटवर्ड्स वी, तो ये इनिशियल केस है। ये जाएगा इसके साथ कोलाइड करेगा फिर रिबाउंड करेगा, ये जाएगा इसके साथ कोलाइड करेगा फिर रिबाउंड करेगा, तो फाइनल केस आफ्टर रिबाउंडिंग ये हो जा रहा है। प्लेट यहाँ पे, प्लेट क्योंकि मास बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स, तो प्लेट अपना वेलोसिटी मेंटेन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये अब मानो इसकी वेलोसिटी रिबाउंड कर गई है, मानो यू वेलोसिटी के साथ ही रिबाउंड कर गई है, मानो यू वेलोसिटी के साथ ही रिबाउंड कर गई है, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसको अज्यूम करने में। ठीक है, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है फॉर यू, ओके ऐसे लिखते हैं, ओके ऐसे भी देखो, ये रीजन वन है ये रीजन टू है, ये रीजन वन है या रीजन टू है, तो हम लोग रीजन वन के लिए इवेलुएट कर लेते हैं पहले बार, उसके बाद रीजन टू के लिए सिमिलरली बोल देंगे। तो रीजन वन में इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी वाज यू माइनस वी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इज यू प्लस वी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट विल बी दोनों कैंसिल तो 2v हो जाएगा। नाउ ये चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी है, एफ कितना लगेगा, एफ इज इक्वल्स टू मानो डीएम, मानो डीवी बाई डीटी, ये आपको एफ दे देगा, डीएम बाई डी टी आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड कितने एरिया पे जा रहा है मल्टीप्लाइड क्या उसकी वेलोसिटी है, और डीवी क्या है 2b है, तो ये उस पे फोर्स लगेगा, और प्रेशर कितना लगेगा, एफ बाई ए है, इट इज 2u v, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटीज, प्रेशर। हाँ तो यही चीज, हाँ यही चीज आप बोल सकते हो सिमिलर इवैल्यूएट करके, इट इज सिमिलरली ट्रू फॉर रीजन टू एज वेल, रीजन टू एज वेल। ठीक है, तो इसीलिए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड ट्रेलिंग फेसेस इज प्रोपोर्शनल टू यूवी, सही है। रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू वी, सही बात है। रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लेट, ओके। अब क्योंकि दोनों फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ये इधर लगाएगा ये इधर लगाएगा, तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाना भी है। अच्छा, प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशंस एट ऑल द टाइम, कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन,
अरे देखो, इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट तो एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है कह रहा है। दूसरा वाला तो गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया, मास तो चेंज नहीं हो रहा है ना, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया, मास तो चेंज नहीं हो रहा, नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एट द लेटर टाइम एफ एक्सटर्नल बैलेंसेस द रेजिस्टिव फोर्सेस, या इट्स आल्सो ट्रू, बाद में जाके जो रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाना है, तो बाद में जाके जो रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा आफ्टर अ टाइम, क्योंकि इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अच्छा कांस्टेंट, हाँ इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है प्लेट का, तो वी तो कांस्टेंट है नहीं, आ गया v तो कांस्टेंट है नहीं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स f इज प्रोपोर्शनल टू v, सो अगर f इज प्रोपोर्शनल टू v तो वेलोसिटी जैसे जैसे फोर्स चेंज होता रहेगा वैसे वैसे वेलोसिटी इसकी चेंज होती रहेगी, और क्योंकि इस पे नेट फोर्स लग रहा है इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसकी एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही होगी, सो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही होगी और इसको चेंज करवाने के लिए एक रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा होगा, एफ एक्सटर्नल बैलेंसेस द रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सीलरेशन, डी वाला भी ट्रू भी है, एबीडी आंसर है ना इसका, यही है ना सर? डी वाला कैसे होगा? यार, देख इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि इसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम होगा तो ये इस पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, इस साइड से भी एक फोर्स एग्जर्ट होगा, पी वन लगेगा पी टू लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पे लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करा हुआ है टू शो दैट कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो दोनों साइड में प्रोपोर्शनल टू यू और वी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वेलोसिटीज जो वापस घूम के जा रही है ये सेम नहीं होंगी, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, बेसिकली दोनों साइड पे अगर फोर्सेस प्रेशर वैल्यूज डिफरेंट है तो इस पे एक नेट फोर्स लग रहा होगा, और अगर इसको इस वेलो जब तक इस पे एक नेट फोर्स लग रहा होगा और इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो नेट फोर्स लग रहा है इसको अपोज करने के लिए एक रेजिस्टिव नेट फोर्स जो लग रहा है उसको रेजिस्टिव फोर्स कहेंगे, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां पे चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, वहां पे चेंज इन मोमेंटम हो रहा है इसलिए इसके रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता होता, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एक मोमेंटम की चेंज आ रही है जो कि इस पे रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, अब फिर ये धीरे धीरे, ये वाला उस टाइप का केस है, मानो अगर एक बीकर है जिसका में ये रखा हुआ है लिक्विड रखा हुआ है, ऊपर से आपने बॉल को ड्रॉप करा है, तो फिर जब ये लिक्विड पे बॉल आ जाता है तो आप कहते हो कि ऊपर एक बायंट फोर्स मिल गया, नीचे एक वेट फोर्स मिल गया, और इसके ऊपर की डायरेक्शन पे विस्कस फोर्स लगता है जो कि वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा होता है 6/8 rv, तो जैसे जैसे ये बॉल नीचे गिरते रहता है और इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे गिरते रहता है उसकी वेलोसिटी वैसे वैसे इंक्रीज हो रही होती है, और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है वैसे ही विस्कस फोर्स इसकी इंक्रीज हो रही होती है, और एक ऐसे पॉइंट आ जाता है जहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में जो विस्कस फोर्स लग रहा है और जो बायंट फोर्स लग रहा है इन दोनों को ऐड करने के बाद वो बैलेंस कर जाता है डाउनवर्ड वेट फोर्स को, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, तो सिमिलरली इस केस में भी रॉड आगे मूव कर रहा होगा,
रॉड आगे मूव कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी ऐसी आ जाएगी जब जितने फोर्स के साथ हम इसको आगे के डायरेक्शन पे मूव करवा रहे होंगे और इस पे जितना रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो दोनों बैलेंस कर जाएगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ने लगेगा। समझ में आया ये बात? यस सर। ठीक है, ठीक है। और इतनी थे क्वेश्चंस? चलो ठीक है, आज का डिस्कशन ये समाप्त करते हैं। और भी क्वेश्चंस आएंगे, पोस्ट करते जाना, डिस्कशन होते जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।